पर उन्होंने मुझे इधर शोर कोर्ट क्यों भेज दिया? मीरल साईं कुछ करता क्यों नहीं? पता नहीं मुख्तार, पर मुझे तेरी जान यहां खतरे में दिखाई दे रही है यार। तूने बड़ा होशियार रहना है बस। कौन मारेगा मुझे? ये पुलिस? नहीं, ये तो तेरी हिफाजत के लिए है यार। असल खतरा तुझे उन मालिक वडेरों से। वो तेरी जुबान खुलने से पहले ये जुबान बंद ना कर दे हमेशा के लिए। मेरे मालिक ऐसा नहीं करेंगे। मैंने हजार बार अपनी जान उनके लिए खतरे में डाली, खून बहाया है उनके लिए, अपनी जिंदगी लुटाई है इन वडेरों के पीछे। काश यहां वफा की इतनी कदर होती जितनी तुझ जैसे नादान समझते हैं मुख्तारे। उस रोज वो थानेदार जहांदार न जाने क्या पटियां पड़ रहा था मीरल साईं के कान में। हमें तो मीरल साईं ने डेरे से बाहर निकाल दिया। जरूर उसके जहन में कुछ और भी चल रहा होगा। मेरा दिल नहीं मानता। कोई अपने दिल को समझा नहीं बाद में फुर्सत। उस पुलिस वाले ने तुझे शोर कोट थाने इसलिए मुंतकिल किया है ताकि वो तेरी जुबान खुलवा सके, और ये खतरा तो अब मालकों के जहन में भी होगा। मैंने बड़ी मिन्नत की है रमजान थानेदार की, तब जाके मुझे उसने तुझसे मिलने की इजाजत दी, और वो भी थोड़ी सी देर के लिए। ओए, चलो आओ, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। चलो शाबाश। अपना ख्याल रखे मुख्तारे, चलता हूँ।